सरकार की योजनाएं भारी पड़ रही है, इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही है, लेकिन उसका विपरीत असर आपको देखने को मिलेगा। बिजली की सब्सिडी की घोषणा कर रही है, टूल चार्ज के रूप में राशि वापस वसूल करने का काम कर रही है। हमारे समय के अंदर 3 लाख रुपये में निःशुल्क इलाज बामाता स्वास्थ्य बीमा योजना में चलता था। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये की घोषणा की गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वो लिस्ट भी सार्वजनिक कर दें, इसमें राजस्थान के आवाम के एक व्यक्ति को भी 25 लाख रुपये की सहायता आपने देने का काम किया। संयम लोढ़ा की फितरत है, उनकी आदत है कि वो सदन के अंदर सनसनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, और कल भी उन्होंने वही किया, अखबारों में छपने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आप जिस तरीके की भाषा बोल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के नेता आरोपियों को, गुनहगारों को, अपराधियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कौन से बीजेपी के नेता ने कौन से अधिकारी को किस समय फोन किया, उसकी कोई भी नाम बताइए, उसका नाम बताइए। कल तक तो नाम बताया नहीं, आज भी पूछेंगे कौन सा व्यक्ति है नेता। सिर्फ विषय को भटकाने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो कांग्रेस पार्टी को ही उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तभी तो उनको टिकट नहीं दिया, तभी तो इंडिपेंडेंस चुनाव जीत गया। तो मुख्यमंत्री जी को अपने पार्टी के अंदरूनी कलह के ऊपर ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के घर की ओर ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है, आपकी कांग्रेस की तरह सर्कस वाला संगठन नहीं है कि जो सर्कस के अंदर जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो कुछ समय के लिए अपने कर्तव्य निभाते हैं, और जब समय पूरा होता है तो अपना सामान समेट कर उतर देते हैं। पार्टी एक केंद्रवेद पार्टी है, और केंद्रवेद पार्टी का एक संविधान है, संविधान का एक संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड जो तय करेगा उसी दिशा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रण के अंदर जाएगी।